एक्सक्यूज मी जोश में। अबे ना करेंगे तने स्कूज तो क्या कर लेगा तू हेलमेट, ये हमें गोली दाग देगा या सूली पे चढ़ा देगा। हम हैं प्रोफेसर जगदीश जोशी जोश में और ये है हमारी बड़ी साली लॉली जोश में। बड़ी नहीं जीजा जी, छोटी साली लिपस्टिक लगा के। What? साली तो हो ना। तो मैडम बात ये है कि ये जो हमारी साली लॉली है ये पिछले कई सालों से बीए फर्स्ट ईयर में फेल होती जा रही है जोश में। तो उसमें क्या है यार, मैं भी कई बार फेल हुआ हूँ, गोपी भी फेल हुआ है, एंड आई एम श्योर मैडम भी कभी ना कभी फेल तो हुई होंगी। तो इतना ना बोल कि मैं तेरे जो है दुनिया से पास कर दूं। सॉरी कंटिन्यू। तो मैडम इस बार इनका पास होना बहुत जरूरी है और इनके एग्जाम चल रहे हैं मैडम, तो हम रोज खुद इन्हें स्कूटर में बैठा के घलमेलिया यूनिवर्सिटी लेकर जाते हैं और वापस लेकर आते हैं। और मैडम आज इनका सोशियोलॉजी का एग्जाम था जोश में। सोशियोलॉजी नहीं जीजा जी, सिविक्स का था लिपस्टिक लगा के। एग्जाम तो था ना, तो मैडम हम इन्हें स्कूटर में बैठा के चले जा रहे थे तभी हमने देखा कि एक मनचला लड़का पूरे रास्ते हमारा पीछा करता रहा। मैडम उस लड़के ने हमारी साली लॉली को छेड़ा जोश में। आगे क्या हुआ? अरे होना क्या था, उस लड़के से अट्रैक्ट होकर ये अपना पेपर खराब कराई जोश में। अट्रैक्ट नहीं जीजा जी, डिस्ट्रैक्ट होकर लिपस्टिक लगा के। हुई तो थी ना तुम। तो मैडम हमने स्कूटर रोक कर उस लड़के को ऐसा लताड़ा, सिग्नल में भीड़ लग गई, जाम लग गया मैडम, लेकिन वो लड़का डांट खाकर भी डटा रहा जोश में। तो मैडम उस लड़के को यहां बुलवाइए और उस पर कार्रवाई करवाइए जोश में। हाँ हाँ जी प्रोफेसर साहब, जरा 1000 रुपए निकालो ना। वो किस बात के जोश में? अरे किस बात के क्या, अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारी वजह से ट्रैफिक जैम हो गया था, अब ट्रैफिक जैम किया है तो उसका फाइन तो लगेगा ना, 1000 रुपए निकालो। लेकिन वो तो अच्छा ये लीजिए 1000 रुपए, पर आप उस लड़के को अरेस्ट कर यहाँ लेकर आइए जोश में। हाँ ओ हेलमेट, ये हमें हमारा काम ना सिखा तू। बालगो बुलवाओ छोरी के फॉलोवर ने। बबलू बिगड़ेल तो क्या प्रोग्राम है? यू आर प्रोग्राम। मैडम आप इससे ये पूछिए कि ये हमारा पीछा क्यों करता है जोश में। अच्छिया नहीं, तू बताएगा कैसे केस सॉल्व करने हैं मैंने। हैं थारे रे मोकरम पे पल्ले, हम थारे घर से आ रहा है आटा हमारी चौकी में। सॉरी मैडम सॉरी। हाँ भाई टीजिंग करे है तू, छोरी ने छेड़े है तू, इसका पीछा करे। अरे मैडम हम पीछा थोड़ा ही कर रहे थे, अरे हम तो घालमेली यूनिवर्सिटी जा रहे थे मैडम। हमारा प्रोग्राम ये था कि हमारी भाभी है पुन्नो, उनकी बहन है मल्लू, उन्हें लेने जा रहे थे हम तो, उनके बीए पार्ट टू के पेपर चल रहे हैं। अब मैडम ये भी उसी रोड पे अपना स्कूटर डगराते हुए जा रहे थे और हम भी, अब इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि हम इनकी साली को छेड़ रहे थे या सीढ़ी मार रहे थे। क्या प्रोग्राम है? जो सीढ़ी पे जाई थी वो? अरे हम म्यूजिक के शौकीन है और हमने भात खंडे यूनिवर्सिटी से संगीत विशारद किया है सीटी में। तो क्या प्रोग्राम है? यो हो रहा प्रोग्राम भाई, कोई केस ना बन रहा इसके खिलाफ, यो अपनी मस्ती में जो है सीटी मारता हुआ जा रहा है, तू अपनी इनसिक्योरिटी में जी रहे हो भाई, तू निकल कोई केस ना आयो। अरे मैडम ये कैसा इंसाफ है जोश में? ओ लोली के पॉप, मन ने ज्यादा इंसाफ सिखाने की जरूरत ना है, वरना तन्ने यही साफ कर दूंगी मैं। आई डोंट लाइक दिस मेन एटीट्यूड, गेट रीड ऑफ हिम। बुलाया? जी हाँ मैंने बुलाया आपको। मैं क्या कह रहा था? क्या? मैं ये कह रहा था चंद्रमुखी जी के मैं और आप, मतलब कि आप और मैं, हाँ मतलब हम दोनों एक बाइक पर घूमे हैं, जिंदगी एक सफर है सुहाना, लिफ्ट की लिफ्ट भी हो जाएगी और सैर की सैर भी, मैं आपको घर ड्रॉप कर दूंगा, कैसी रही? सर आई थिंक इट इज अ ब्रिलियंट आइडिया, मतलब पर इसमें एक मैंने प्रॉब्लम दिख है, वो ये हो रही कि आपके पास तो बाइक है कोई ना, आपके पास तो जीप्स है। मतलब अगर मेरे पास बाइक होती तो आप मेरे साथ चलती? ऑफ कोर्स सर।
sir, then there is no stopping us. Yes? Yes. Sure? मुबारक हो चंद्रमुखी जी, टन टन टन, मैंने बाइक खरीद ली है। अब आप तो नहीं कहना, प्लीज आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। चलो ना, चलो ना, चलो ना सर। यस सर, आई थिंक वी मस्ट गो। ओके, पर सर एक मिनट, आपने हेलमेट भी खरीदा है ना? मतलब लेडीज हेलमेट? लेडीज? मेरे पास तो जेंट्स हेलमेट भी नहीं है। तो सर, कानून की बेटी को आप कह रहे हो ना, कानून तोड़ के जो है बाइक पे बैठ ले विदाउट हेलमेट। सॉरी सर, ऐसा ना हो सके। आप जो है ना, पहले हेलमेट ले आइए, फिर चलेंगे बाइक पर। जिंदगी एक सफर है सुहाना। ऑफ कोर्स। ओके। हाय चंद्रमुखी। हाँ, कन्ना के लौटे, बोल। मैंने एक नई साइकिल खरीदी है, राउंड पे चलोगी? ऑफ कोर्स, कम ऑन, डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स गो। सॉरी डूड, शी इज माइन। नहीं नहीं, लगता है फिर छिट गया है इसका चैन। देखो आ गए ये लोग वंस अगेन। ओके बाय। हमारे साथ आओ लाले जोश में। एक्सक्यूज मी मैडम। हाय हाय। अबे चौकी में दिल लग गया है के ना? जब देखो मुंह उठा के आ जाते हो तीनों के तीनों। मैडम, इस इंसान ने हमारा फिर से पीछा किया जोश में, और हमारी साली लॉली को इसने फिर से छेड़ा जोश में। अबे यार, छेड़ने लायक तुम्हारी साली है तो साली को ही छेड़ेगा ना, और ना क्या तुमको छेड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है कि जो कुछ भी कहना है मैडम को जरा फटाफट कह दो, वरना अगर हमारी मैडम को गुस्सा आ गया ना तो वो एक नंबर की सनकी, मेरा मतलब एक नंबर की खुर्राक, मेरा मतलब है एक नंबर की गुस्से वाली है यार। गुस्सा तो हमें भी बहुत आया था मैडम, आज ही की बात ले लीजिए। आज हमारी साली लॉली का हिंदी का पेपर था जोश में। हिंदी का नहीं था जीजा जी, आज का था, लिपस्टिक लगा के। पेपर तो था ना मैडम, हम स्कूटर में इन्हें लेके जा रहे थे, और ये देखने के लिए कि हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं कि नहीं, हमने स्कूटर रोक दी, इन्होंने भी स्कूटर रोक दी, हमने फिर स्कूटर चलाई, फिर रोक दी, इन्होंने फिर रोक दी, और इस बार मैडम ये कंफर्म करने के लिए कि हमारे ही पीछे आ रहे, हमने राइट टर्न ले ली जोश में। राइट नहीं लिया था जीजा जी, लेफ्ट लिया था लिपस्टिक लगा के। जान तो लिया था ना मैं, और मैडम इस चक्कर में हम नो एंट्री में घुस गए और वन वे में भी चले गए जोश में। हाँ, तो ये भी तुम्हारे पीछे आया ना? और जैसे ही हम मेन रोड पे आए, ये फिर हमारे पीछे पीछे जोश में, और मैडम इस इंसान ने हमारी साली लॉली को फिर से छेड़ा जोश में। ओ बबलू बिगड़ेल, ज्यादा चौड़ा हो रहा है तू ना। मैंने अगर छेड़ दिया ना हमारा डंडा थारे पे, ना तो कुछ करने लायक, ना छोड़ूंगी मैं, ना छेड़ने के ना छेड़ने के। अब मैडम, अगर हम इनका पीछा कर रहे होते तो हम नो एंट्री और वन वे में नहीं घुस जाते इनके साथ। क्या प्रोग्राम है मैडम, देख लीजिएगा, ये कल फिर हमारा पीछा करेगा, और कल हमारी साली लॉली का इकोनॉमिक्स का पेपर है, जिसे ये कॉमिक्स बना के रख देगा जोश में। इकोनॉमिक्स का नहीं है जीजा जी, कल तो होम साइंस का है, लिपस्टिक लगा के। पेपर तो है ना मैडम, आप इसके खिलाफ एक्शन लीजिए जोश में। हाँ। ओ ना भाई, अब तो थारे ही कहने पे हो रहे हैं सारे काम यहाँ। थारे आर्डर से तो चौकी चल रही से मारी। और तू बबलू बिगड़ेल, क्या प्रोग्राम है? आगे से छोरी के 500 मीटर के अंदर दिखाना अगर तू, अरे जिंदगी का प्रोग्राम चेंज कर दूंगी मैं। निकल यहाँ से। पकड़े थे? हाँ हाँ। हाँ जी, एक मिनट प्रोफेसर साहब, वो जरा 5,000 दे देना जाते जाते। 5,000? किस लिए भाई जोश में? किस बात के क्या, अभी तो तुमने बताया कि तुमने अपना स्कूटर नो एंट्री में घुसा दिया था, तो उसके तो 5,000 लगेंगे ना फाइन। अरे लेकिन अरे निकालो। ठीक है, ये ये लीजिए, आप जरा फाइल में डाल के दो। जी ठीक है, चलो आ, हो गया मैडम। भैया साले लौंडे को कह दिया ही, आई होप कि तुम्हें चौकी में दोबारा आने की जरूरत ना पड़ेगी। ओके। और तू पढ़ वढ़ ले ध्यान से,
और चेंज पास भी हो ले। और ये जो बालों का हेयर स्टाइल बना रखा तेने, न चिड़िया इसे अपना घर समझ के घोंसला बना लेगी, फिर आ जाओगे एक दूसरी रिपोर्ट लिखने। निकलो ये। ठीक है मैडम, थैंक यू, चले जोश में, चलो चलो चलो। आप आइए यहाँ, कहिए आप। मैडम सतुर करना आती है। हाय, के करवाएं हैं, जान दे दें अपनी, फिर आना बंद करोगे चौकी में, या पैसे दें तुम्हें, या कोई तंत्र बंतर पूजा करवा लें जिससे चौकी में तुम्हारा आना जाना बंद हो जावे। कंफ्यूजन ईप के हो गया। मैडम इसने फिर हमारा पीछा किया जोश में, और इसने फिर हमारी साली लॉली को छेड़ा जोश में। बाल को इस पर्पलिए ने जो है ना डालो साले ने अंदर। मैडम ये गलत प्रोग्राम है। मैडम हमारा प्रोग्राम ये था कि ये कहीं फिर से घाल बेली या यूनिवर्सिटी जाने वाले तुरियागंज चौराहे के पास ना मिल जाएं, इसलिए हम दूसरे रास्ते यानी घंटाघर वाले रास्ते से गए। क्या प्रोग्राम है? अरे यार जब इसने घंटाघर वाला रास्ता ले लिया तो प्रोफेसर साहब ये आपको कहाँ मिल गया? हम भी घंटा घर वाले रास्ते से ही गए, क्योंकि हमने भी यही सोचा कि कहीं ये टुड़ियागंज वाले रास्ते में ना मिल जाए जिससे हमारी साली लॉली का संस्कृत का पेपर जो वो खराब हो जाए जोश में। संस्कृत का नहीं जीजा जी, मेरा तो होम साइंस का पेपर था, लिपस्टिक लगा के। पेपर तो था ना। मैडम हमें इतना गुस्सा आया कि हमने स्कूटर वहीं रोकी और वहां पड़े एक पत्थर को उठा के इस पर दे मारा। वो और बात है कि ये बच गया और इसके पीछे एक लाइट के पोल में जाके पत्थर लगा और वो लाइट फूट गई जोश में। भैया ऐसा है, तू भी जो है अपने हिसाब से एक डिफरेंट रूट से गया है, और तू भी अपने हिसाब से एक डिफरेंट रूट से गया है, तो बेसिकली गलती तुम दोनों की ना है, गलती हो रही कंफ्यूजन की। yes! तो तू बबलू तू निकल ले, तू बेकसूर से, चल निकल। क्या प्रोग्राम है? और तू यहाँ पे जो है ना किसी सोपीज की तरह बैठा रहे, एडिये बेडिये कुछ आना रहे। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही चटक चटक कन मिर्च नमक्खन आइडिया आ रहा है, जरा कोने में तो आइए। चल हट। तुम्हारे बच्चों को धूप में लाल तेल की मालिश करेगा तू? भैया ऐसा है, जीजा साली भूल जाओ कि तुम किस रूट से अलग अलग रूट से यूनिवर्सिटी जाते हो, सारे रास्ते भूल जाओ भाई, हमारे रास्ते से जाओ तुम, कल तुम जाना टिमरकन टोला वाले रूट से। ओके टिमरकन टोला वाला रास्ता जोश में। हाँ, और भाई जाने से पहले सवेरे तड़के ही ना चौकी में आ जाना, एक जरूरी कागजात पे साइन ले लो तुम्हारे। ओके ठीक है मैडम, चलें। प्रोफेसर साहब जी, आपकी तरफ ना एक 7,000 का बिल है, वो जरा दे देना है। क्यों क्यों जोश में? क्यों क्या, अभी तो तुमने कहा कि तुमने एक पत्थर उठाकर वो बबलू की तरफ फेंका, लेकिन बबलू को पत्थर नहीं लगा, जाकर एक लाइट फूट गई थी। अब लाइट फूट गई तो बिल तो भरना पड़ेगा ना। 7,000 कम है? नहीं नहीं, अब ठीक है, इस वक्त हमारे पास सिर्फ 5,000 ही हैं, ये रख लीजिए, 2,000 हम कल ले आएंगे सुबह, हैं चलें, चलो जोश में। थैंक यू मैडम। योलो इसके छुट्टे कराओ, 400 मन्ने देना और बाकी बांट लेना। 50-50 नहीं। मैडम आपने जिस फॉर्म पे कहा था वह हमने साइन कर दिया है, और आपने जिस रूट से कहा है टिमरकन टोला होके, तो हम वहां से अब निकल लेते, चलो लॉली जोश में। हो गया बोल के सब कुछ जी, जीप में बैठो, और तू मोबाइल दे अपना, है जीप में बैठो। नहीं लेकिन हमारे पास स्कूटर है। गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी, लग रहा हूँ जी साइंस का प्रोफेसर। जीप में बैठो। लेकिन अरे 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 ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आओ आओ लॉली जोश में, आप ये रास्ते में लगा देना मेरे। बैठ गई।
जान, ओए हाय, अरे चमक छल्लो, अरे देख लेना एक बार, फसा, ओए होए, आहा, एक बार तो देख ले, एक बार बस, आय हाय हाय, ये चिड़िया, हाय हाय, ये चिड़िया है या मेरे दिल की है ये। कैसे हो भाई? हाँ बहुत बढ़िया, सब ठीक है एकदम। क्या बात है, हाँ जी जी। अबे कहाँ गया? हाँ भाई कहाँ घूम रहा है यहाँ? मैडम मैं तो बस यूनिवर्सिटी जा रहा था। भाई यहाँ कौन सी यूनिवर्सिटी हो रही? मौत की यूनिवर्सिटी हो रही है, बोल तो भेज दूँ। मैडम मुझे माफ कर दीजिए मैडम। चल हट मैडम, मुझे माफ कर दीजिए मैडम मैडम। हाँ भाई प्रोफेसर साहब जी। ओवर टू यू। हाँ जी। मैं जो है ना थारा कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। इसको साले को कैसे पता लगा कि तुम तिमरगन टोला के रास्ते से आने वाले हो? Confusion. तो यो पूछ अपनी साली से। नहीं। क्योंकि इसने कल ही इसको इत्तला कर दी थी। What? और इसने कल ही ना बल्कि हर रोज हर उस वक्त जब यो घर से निकले न पेपर देने के लिए कहीं भी जाने के लिए किस टाइम वगैरह वगैरह सारी डिटेलिंग यो ही इस बबलू को दे रहे हैं क्योंकि यो दोनों एक दूसरे से प्रेम करें। ये बाकी की कहानी इसी से पूछ ले कि क्यों करे है यो सब। हाँ जीजा जी, वो हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन आपने तो मेरी शादी कहीं और तय कर दी और उन लोगों ने भी तो कहा कि मैं पास होते ही शादी करवा देंगे तो मुझे लगा कि मैं फेल हो जाती हूँ, इस तरह से मेरी शादी भी नहीं होगी और आपको लगेगा कि मैं पढ़ती तो थी लेकिन इसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट होके फेल हो गई। भैया साहिब मारी एडवाइस मान जी, तो दोनों की ना ससुरों की करवा दे शादी वरना और पता नहीं कैसे चक्रों में तने फंसा देंगे, पुलिस स्टेशनों के ही चक्कर काटता रहेगा तू। ठीक है मैडम, मैं जल्दी इन दोनों की एंगेजमेंट करवा देता हूँ जोश में। अरे सर वेलकम। चंद्रमुखी जी आइए 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 आइए। चंद्रमुखी जी ये रही बाइक, ये रही हेलमेट, अब आप मुझे मना नहीं कर सकती, जल्दी से आइए मेरे पीछे बैठिए और मुझे कस के पकड़ लीजिए, खड्डे है ना आगे रास्ते पे खड्डे। ओके सर, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? क्रिसमस चलिए। या ऑफ कोर्स। ओके कम आइए। सर ईब मैं बैठ गई हूँ, एक मिनट ईब सर मैं आपने पकड़ लूँ? प्लीज सर पकड़ लिया। ये क्या चंद्रमुखी जी, जरा कस के पकड़िए ना, खड्डे बहुत है रास्ते में। यस सर, ये जरा हवा से बातें करा दीजिए सर। अच्छा शो मी स्पीड। ओके चले। यस सर लेट्स गो।